आर्मी रेंजर्स की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, और आपको पता है मैं भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सचल बोर्ड में मेरी ड्यूटी है फ्लोर रिटर्न के साथ काम करने की, और मेरी ड्यूटी में शामिल है सुबह का नाश्ता प्रोवाइड करने का, तो पूरी रात जागना होता है और सुबह वहाँ पर नाश्ता करना होता है। कल हमारे सर जी आपको बताते चलो सर अरशद भाई का कल इंतकाल हो गया हमारे मेम्बर का, और वो भी हमारे साथ काम कर रहे थे, काम के दौरान ही वहाँ पर उनकी डेथ हुई, तो आज उनकी तस्वीर भी हम लोग कर करके यह प्रोग्राम हमने पोस्टपोन भी किया क्योंकि पाकिस्तान के लिए आखिरी दम तक हमने लड़ना है। कराची डिस्ट्रिक्ट की इसकी टीम है, और अभी तमाम मेहमानों की इसी सफदर भाई के लिए कराची डिस्ट्रिक्ट की इसकी टीम, आज कमिश्नर साहब ने भी आना था कुछ मसूफियात की वजह से वो नहीं पहुँच सके, मैंने उनको भी इन्वाइट किया था, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला आज कराची की टीम हम अनाउंसमेंट करने लगे, तो उससे पहले मैं ये बच्चे खेलने के लिए बावलपुर जा रहे हैं उसके मैं आपके दो मिनट के कमेंट से आऊँगा उन बच्चों के लिए नायक के लिए सदर चंद साहब। आप पाकिस्तान के हीरो आप हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हर बच्चे को आप कराची की इस हालात में भी आप आज बच्चे को लेकर आ रहे हैं कि स्पोर्ट्स के मैदान में, वो किसी ने कहा है ना कि अगर देखिए किसी मुल्क को अगर आबाद करना है या कौम को आबाद करना है उनके ग्राउंड आबाद होंगे अस्पताल वीरान होंगे, और जो इनके ग्राउंड वीरान होते हैं उनके अस्पताल आबाद होते हैं। हमारे दुश्मन की भी यही वो अक्सर कोशिश भी है कि हमारे मुल्क से स्पोर्ट्स ख़त्म करें, मगर जब तक औरंगजेब सुल्तान जैसा मसीही मौजूद है इंशाल्लाह हमारे मुल्क से कोई भी कुछ भी नहीं मिला। कराची में करना बहुत मुश्किल काम होता था, जब आप लोगों ने ग्राउंड आबाद किए हुए थे उन बच्चों के लिए जबरदस्त आ गया, मैं तो कहता हूँ सुल्तान भाई के लिए था। सूरज को चराग दिखाने वाली बात, इन्होंने जब मेरे ख्याल में मेरे साथ 6-7 साल हो गए उनके साथ में काम कर रही हूँ, ईस्ट में वो बच्चे निकाले जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, बल्कि उनकी हिम्मत अफजाई भी इतनी की कि अब वो बच्चे माशाल्लाह अच्छे खिलाड़ियों में भी शामिल हो गए, और ये हर उस जगह पे गए क्योंकि मैं कोरंगी में भी रह चुकी हूँ, तो कोरंगी में वो बच्चे जो सिर्फ मैकेनिक का काम और ये करते थे उन्हें भी मैदान में ले आए, उनकी भी हेल्प भी की और उनको भी इतना एक्टिव किया कि वो भी इनामात लेके कोरंगी का नाम रोशन किया और अपने वालों का। तो उन बच्चों की तो मेहनत होगी लेकिन उनको उभारने वाले ये औरंगजेब साहब भी हैं। हमारे डीजे साहब अभी सेक्रेटरीट में मीटिंग थी, इस वक्त वहाँ से रवाना हो गए, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में तमाम हमारे जो हैं खिलाड़ी हैं, हमारे जो ऑफिशियल हैं और जो हमारे मेहमान हैं जो इस महफिल में तशरीफ लाए हैं उन सबको मैं वेलकम करता हूँ उस महफिल के अंदर, और सर भी हम ज्वाइन कर लेंगे हमें, और काम तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोग करते हैं लेकिन एक काम होता है बिल्कुल एक बिल्कुल डीप में जाके जो लोग करते हैं बिल्कुल, कि जिनको ये परवाह नहीं होती कि इस काम को हमें कोई अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा, हमें कोई इसका नेमुल बदल हमें कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस एक बे लॉस एक जो है ना काम करने वाला शख्स हमने पाया है, और ये हमारे जो हैं मकसद एक बहुत बड़े स्टार हैं ये, और मैं समझता हूँ कि हमारी कुछ नतीजी के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से ये जुड़े में जो हम मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे हम थोड़े तैयार करके औरंगजेब भाई को दे देते हैं तो वो उनको आगे लेके आते हैं और मजीद निखार पैदा करते हैं, तो हमारी टीमें तो स्कूल की सतह पे खेलती हैं लेकिन औरंगजेब भाई जो है उनको डिस्ट्रिक्ट की सतह पे लेके आते हैं, कराची लेवल की सतह पे लेके आते हैं, और फिर बाहर यानी कि समझ लें कि आप सूबे की सतह पे लेके आते हैं, तो मैं सर को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आइंदा भी हमारे साथ इतना काम करता है। सोचा था कि मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ इसे मैं छोड़ दूँ ख़त्म कर दूँ, ये औरंगजेब साहब थे जिनको मैं देखते हुए रहे प्यार किया, और मैंने कहा नहीं, जब ये बंदा सारी सूरत हाल को देखते हुए अपनी तमाम कमी दूर करते हुए मुल्क कौमी खिदमत में आखिरी लम्हात तक चल रहा है, तो मैंने चीज़ें सबक हासिल किया और मैंने भी यही इरादा बनाया है कि स्काउटिंग में आखिरी दम तक लेके चलता रहूँगा। मुझे सुल्तान साहब की दिलवाई जब से मैं बचपन से स्टार्ट हुआ था स्काउटिंग के ही जज्बे से था और स्काउटिंग से ही जुड़ा रहा था, लेकिन जब अपॉइंटमेंट हुआ दिफाक वेस्ट के अंदर तो वहाँ से सेक्रेटरी लगता हुआ आया, और अभी तक मुझे सेक्रेटरी लगवाया हुआ नहीं, सब रूबी साहब भी जानती है कि मैं जिस वक्त साउथ को छोड़ा था मेरा ये इरादा था कि आप रेस्ट कर लें, निशा बुबी साहब ने कहा नहीं, तुरंगी के अंदर जियो साहिबा ने रिक्वेस्ट की है मुझसे भी कहा मेरे घर में आकर मुलाकात की कि नहीं आप तुरंगी को ज्वाइन कर लें, भले आप ईस्ट के ही स्कूल से हैं लेकिन आप गुरु को कौन का एक अजीम जज्बा होता है, तमाम में सबसे अव्वल रिश्ता स्काउटिंग का होता है, तो आप लोग भी
इसके लिए मेरी मदद करें और जहाँ तक स्काउटिंग फैला सकते हैं मेरे साथ मिलकर स्काउटिंग फैलाएं। ये हमदर्दी का वाइस चेयरमैन और हमारे दरमियान डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, हम आपको वेलकम करते हैं और तमाम बच्चों के पेरेंट्स और मौजूद मेहमान, और हम बाकायदा अब क्या कहते हैं आपको बताते चलेंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से आपने जो जब मैडम अनीसा ने जो पौधा लगाया था आज यार मोहम्मद बालोदी साहब और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर नासिक साहब के सरपरस्ती में ये पौधा इस तरह सुबह से कोई विजिट करने के लिए पंजाब जा रहा है। आज इसकी अनाउंसमेंट होगा और मैं कहूँगा अनाउंसमेंट नासिर भाई डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर यार मोहम्मद बालोदी साहब की सरपरस्ती में टीम का नाम अनाउंस करें, कराची टीम का और सुबह सिंह की कराची टीम का नाम अनाउंस करें सर। और जिन जिनका नाम है क्लैपिंग होनी चाहिए कौन सिलेक्ट हुआ है लड़का 40 रन दिखाए पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज बावलपुर जो हमारी टीम रस्सी मिले जाएगी कप्तान है मोहम्मद शेरफान। अब्दुल समी हसन अब्दुल सलाम जुबेर वाइस कप्तान है बली खान सज्जाद अली रजा आलियान फैसल मोहम्मद अमीन हमजा हसनैन हुजैफा अब्दुल मन्नान और दाऊद कोच एन के सैयद आतिफ अली टीम मोरफा 8 सितंबर 2022 को बदरिया खैबर मेल कराची से बावल पुल के लिए रवाना होगी। आप सबको बहुत मुबारक हो आप टीम में सेलेक्ट हुए। खिलाड़ियाँ हैं उसमें आपने अपने स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट्स के साथ आगे इनको ख़त्म करना है और इनको ख़त्म करके आपने और बच्चों को ये तालीम देनी है कि वो भी इसी तरह स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और अपनी तामीरी सरगर्मियाँ जारी रखें। जैसे आपने कल आप चूँकि खुद क्रिकेट की टीम से मुंसलिक हैं आपने कल देखा कि जब पाकिस्तान का जज्बे के साथ खेल रहा था मैं दो बारों पे और सबकी सांसें रुक गई कि अब क्या होगा आया इधर या उधर, तो जब जज्बा सामने आता है तो फिर हर चीज़ जीत में बदल जाती है। और कल आपने देखा कि पाकिस्तान की जो शिकस्त थी वो जीत में बदल गई उनके जज्बे के साथ। तो मैं आज ये धरती है कि जिस तरह से सोशल कामों में स्पोर्ट्स में इन लोगों ने खिदमत की कराची की पूरे पाकिस्तान की, तो आज ये बड़ा जुल्म होगा कि अगर हम उनका फिक्र ना करें। क्या आज अगर आप आज़ादी से खेल रहे हो ना तो इस कराची को किस काबिल बनाए हैं इन्होंने, बोले ये खेल तो मुल्कों में खुल जाता था और मुल्कों में बंद हो जाता था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले कराची में रहने वाले पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वालों को उनके बिलों में भेट दिया। और आज हम और आप जो एक अच्छी फजा में साथ दे रहे हैं तो ये अल्लाह के बाद इन लोगों के एहसान है। इसका ये मोशन है और ये है और इसे साबित किया है, इसका ये भी मोशन है ये है और इन्होंने साबित किया है। जब मेरे मेरी बहन समुना ने कहा कि मैं शादी मैं जब औरंगजेब के प्रोग्राम में आता हूँ ना तो मैं अपनी पार्टी को भी कपड़ में भर कर देता हूँ, मैं अपनी सांसद को भी अपने कपड़ हालांकि मैं वजीर आला के वकील नहीं रहा हूँ, मैं एक पार्टी को दावे उठता हूँ और मुझे फख्र है कि मैं इस पार्टी से लागू होता हूँ जो एक बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं यहाँ जब पाकिस्तान की बात होती है जब पाकिस्तान की सलामती की बात होती है तो वहाँ मेरी सेविया की पार्टी है, वो है पाकिस्तान पार्टी, ये पाकिस्तान पार्टी है नासिर भाई कम है। जाओ पूछो उनसे जिन्होंने गुलामी देखी थी, अगर किसी का कोई नाना दादा जिंदा है
उनसे पूछो कि गुलामी क्या होती थी। आज कमर कम हम जितना आपस में लड़े जितनी आपस में मसाज पे बहस करें, लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह एहसास है कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं और उस आज़ाद मुल्क में रहते हैं जहाँ किसी थाने के ऐसे होते राम सिंह जी है, जाओ पूछो कश्मीरियों से, जाओ पूछो उन लोगों से जो गुलाम है। हम भारी बुराइयों के बाद एक खुशनसीब कौम है कि हम आज़ाद कौम है और अल्लाह हमारी आज़ादी को रखे, साजिश से ख़त्म नहीं हुई और अभी वो जिनको इन्होंने बिलों में घुसेरा था वो अपने बिलों में हैं और इंतजार कर रहे हैं ऐसा मौका मिले ताकि हम दोबारा आए। लेकिन अगर आप ये मत समझो कि वर्दी में ही रेंजर के, आप भी वर्दी में, आप भी रेंजर के, इस मुल्क का हर जवान रेंजर का है, फौज का है, पुलिस का है, तो जाके इस शहर में इस मुल्क की निशानी है। जब स्पोर्ट्स की जो है सरगर्मी एक्टिविटीज़ को हम फ़रोग देते हैं तो यकीनन जो बदौनी की जो होती है उसको हम ऐसे समझो कि हम पीछे धकेलते हैं, बदौनी को लॉ एंड ऑर्डर को पीछे धकेलते हैं, एक सेहतमंदाना माहौल को पैदा करते हैं, एक दोस्ताना माहौल को पैदा करते हैं और ये बच्चे ये ही आगे बढ़ेंगे, ये ही हमारे पाकिस्तान की शनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन है और इनके रखवाले जो है इनकी जो है अमन की, जैसे साईं ने बात की इस कराची की, वाकई इस कराची के हालात जो पहले थे जो यहाँ लोग आते थे वो डरते डरते आते थे और उनको पता नहीं होता था कि घर हम वापस सलामत भी पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, इतना खौफ की फिज़ा होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस कराची में आज जो भी हमारा ये माहौल बना हुआ है, एक दोस्ताना माहौल, फ्रेंडली माहौल और एक अच्छा और इल्मी लिहाज से, तालीमी लिहाज से और खेलों के मैदान के लिहाज से, हर लिहाज से हमारे मुल्क और इस कराची शहर की जो है ना वो मैं तो वाकई आपको सलाम पेश करता हूँ। इस हमारे जो फोर्सेज लाए फोर्सेज एजेंसीज हैं जैसे ख़ास तौर पे इस कराची के अमन के लिए जो काम किया है वो पाकिस्तान रेंजर्स की कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान पुलिस की, तो इन सबको हम जो है ना वो खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ये हमारी ऐसे ही जो है हिफाजत करेंगे हमारे मुल्क व कौम की, हमारे शहर की, इंशाल्लाह कभी भी हम ऐसा माहौल, बिगड़ा माहौल नहीं देखेंगे, अभी मज़ीद हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। माओं बहनों की इज्जत है, हमारे बच्चों की हिफाजत जो है फौज पाकिस्तान की वजह से, और फौज पाकिस्तान मैं ये बात करूँगा कि अगर कोई आपको 1,00,000 रुपये दे और आप अपना हाथ कटवा सकते हो तो कोई नहीं कटवा सकेगा, क्योंकि मुल्क दुश्मन ना सिर्फ ख़ास तौर पर जो हमारे ऐसे ममालिक जो हैं जो क्या कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चाहते पाकिस्तान को तरक्की। हम भरपूर तालियों में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हमारे तो देवी बिलाल है सत्तर गांव के, जैसे कभी इन्होंने आना था कौन के जवाब में आप तमाम लोगों का सब है हमारे प्रेम हैं, इनके पेरेंट्स हैं, हमारी बहनें हैं, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें एक मदद दिया है। इस पर हमें हमेशा खुशी होती है कि इस तरह की एक्टिविटी में आप हमें अपना समझते हैं और हमें बुलाते हैं, तो इस पर हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, फर्ज है, तो जो आपका रोल है मुल्क की कंट्रीब्यूशन में वो काबिल तारीफ है। इसमें जिस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है लोगों में बचपन में ही क्रिमिनल माइंड है बच्चों का, तो उसको कन्वर्ट करना हेल्दी एक्टिविटीज़ में, उसमें एजुकेशन ऑफिसर्स, टीचर्स और उनके भाई तमाम लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन, इसके लिए बहुत बहुत इनकी मेहनत है। तो मैं हमने तो यह समझा था कि नॉर्मल एक यूनिफॉर्म तकसीम करनी, बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया लोगों ने, इससे हौसला अफजाई होती है यंग बच्चों की, प्लेयर्स की,
तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है, इस तरह की एक्टिविटी को कंटिन्यू रहना चाहिए, तो इससे ही माहौल बेहतर होते हैं। बाकी फोर्सेज जो है वो सिंगल कुछ भी नहीं है, हर पाकिस्तानी जो है वो बेसिकली किसी फोर्स का हिस्सा है, यूनिफॉर्म पहने या ना पहने। तमाम लोग आप इसके डिफेंस के लिए, इसके दिफा के लिए आप सबकी जिम्मेदारियाँ हैं, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप तमाम लोगों को ग्रेजुएशन कर रहे हो। बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि आपने योम दिफा का इंतखाब किया है, तो योम दिफा पे आप लोग ये क्रिकेट टूर्नामेंट की एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इसके लिए वापसी पे इंशाल्लाह है, उन्होंने प्रमिस किया है वापसी वो आएंगे, तो जो कैपेसिटी है उनकी वो आपके लिए अनाउंस भी करेंगे। तो शेड्यूल का तो पता नहीं कितनी टीमें हैं, हमारी दुआ है कि कराची की टीम है, एक ही टीम जा रही है, दूसरे कराची से टीम जा रही है, कुछ लड़काने से भी लड़के हैं, कुछ हैदराबाद से वहाँ से। हमें खुशी होगी आप जीतते हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, और वापसी इंशाल्लाह आपको वेलकम करेंगे। तो फ्यूचर में भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज करते हैं या किसी को बाद का शौक होता है कि यार ये फोर्सेस वाले भी आए खासकर योम दिफा करें या अदरवाइज, तो आप लोग बाद प्रोटेक्ट नहीं करते चीज़ को कि वो पता नहीं आए या नहीं आए या चैनल क्या है, तो आप हमारी मोबाइलों के ऊपर आपके लिए सहूलत के लिए नंबर भी लिखे हुए हैं, किसी किस्म की एक्टिविटीज़ में आप मदद करना चाहें अदर दैन पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिकली एक्टिविटीज के अलावा, हर जगह पे हम हाजिर हैं और जिधर भी जाएंगे हम। तो ये कोई किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप लोग इसका फ्यूचर है हमारे मुल्क का, तो हमारी जगह पे आप लोग आएंगे, तो इसके लिए हमें बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को दरमियान आके कोई बात का, तो इसमें वो पब्लिक और फोर्सेज में गैप नहीं होना चाहिए, आमतौर पर बिहेवियर और एटीट्यूड में होता है, मतलब आप कहीं भी आप अपना नॉर्मल चेकिंग कर रहे हो, स्पेशल कर रहे हो, तो उसमें एक बंदा क्रिमिनल है और 100 बंदा जो है उसमें उसकी लपेट में आ जाता है, डिस्टर्बेंस होती है चेकिंग में हो गई, ऑपरेशन में होगी, अभी आप 20 लाख चेक करेंगे तो उसमें क्रिमिनल तो एक ही होगा, तो पूरे एरिए को आप जो करते हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसमें थोड़ा सा गैप बढ़ता है, पब्लिक समझती है कि यार ये रफ एटीट्यूड है, तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टीचर्स है, टीचर्स को पढ़ाया जाता है कि रहम दिल हो, तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि रहम दिल ना हो, हमारा तल्लुक जो है बेसिकली क्रिमिनल से होता है, तो क्रिमिनल टाइप की ट्रेनिंग कराई जाती है, अगर आप ही रहम दिल होंगे तो फिर क्रिमिनल को पनिशमेंट या उनको राय रास्ते लाना तो मुश्किल होता है, तो बिल्कुल रोल पे टीचर्स का फोर्सेज का वो रेंटल है ये बेरहम है, तो ये एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अंदर वो आम शहरी जो है पब्लिक जो है वो भी इसमें रहती है, तो उसके लिए आप लोग मैसेज दिया करें लोगों को, इस तरह की बात नहीं है, तमाम हम आप में से हैं, आप हम में से हैं, आप फ्यूचर हैं, उसमें इंशाल्लाह इस तरह की होती है मिक्स परसेप्शन होती है वो नहीं होनी चाहिए, और यकीनन अपना आप हमारे दिल में हैं तो हम कोई इसी का हिस्सा है, इधर ही हम बड़े हैं, इधर ही बड़े हुए हैं, इधर ही अपनी सर्विस कर रहे हैं, तो हमें खुशी होती है आप लोगों की खिदमत करके। आप लोगों की तरफ से पहले भी इनकी मैंने अरेंद्र सुल्तान भाई को देखी, मैंने वीडियो पुरानी पहले तो इतना निजान नहीं था, लेकिन मैंने देखा है हिस्ट्री में इनका फौजे पाकिस्तान प्रेसिडेंट चीफ तक भी इनका लीक रहा है, तो तमाम ने इनकी दर्शकों को अप्रिशिएट किया है और मैंने वीडियो देखी है और बड़ी खुशी हुई
سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ولنٹیئر ہونا اور کنٹریبیوٹ کرنا مشکل کام ہے. ٹائم نکالنا, بچوں کو تیار کرنا, نکلنا, تو اس کے لیے بھی اس کے لیے بہت بہت تو وہ دیکھتے ہیں. ابھی آپ لوگ جو بتا رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سب سے مطلب ہمارے ہیرو یہ ہیں. اسی طرح کے اور کافی ہیروز ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنا بھی. تو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مدعو کیا, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بگیچی صاحب کو لائیں گے, وہ آپ کے لیے پیکیج میں ہے. جس طرح جو بھی آپ کے پرابلم ہوں گے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں گراؤنڈ کے لیول پہ, کہیں گورنمنٹ لیول پہ, کہیں اسپورٹس فنڈ میں, تو جو بھی کنٹریبیوشن ہوگی. ادروائز بھی ہمارا جس طرح یہ پیچھے جامع یونیورسٹی میں گئے تھے جی تو 50 لاکھ روپیہ دیا تھا, تو ہمارے پاس وہ پبلک ویلفیئر کے لیے بھی پیکیج ہوتے ہیں, تو وہ آپ اپنا شیئر کرنا ساری چیزیں. تو اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی ان کو بریف کروں گا, تو ہمیں خوشی ہوگی آپ کی حوصلہ افزائی کر کے اور آپ کو پروموٹ کریں گے. آپ کو فائنینشلی سارے لڑکے اس طرح نہیں ہوتے, جو پوزیشن لے کے آئیں گے واپسی جس طرح کا رزلٹ لائیں گے اسی طرح کا ان شاء اللہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. جس لیے کیونکہ آپ کے سر سرپرستی میں سب کچھ ہوا تھا. آپ بھی بتاتے چلیں کہ میری دو کتابیں ہیں جو کیا کہتے ہیں آ چکی ہیں. ایک ہمت مردہ مدد خدا, جو بچے ہمت ہار دیتا ہے بولتا ہم نے ایم اے کر لیا, بی اے کر لیا اور ہمیں نوکری نہیں ملی. میں امریکہ کی لگژری لائف چھوڑ کے پاکستان آیا ہوں. اچھا خاصا سکون سے امریکہ میں رہتا تھا, لیکن امریکہ میں صرف عزت نہیں تھی, اس لیے میں نے امریکہ کو عزت کیا. پاکستان کی وہاں پہ عزت نہیں تھی, مجھے پاس پیسہ تھا, سب کچھ تھا, لیکن میں چھوڑ کے پاکستان آیا اور پاکستان پہنچ کے ایک کتاب لکھی ہمت مردہ مدد خدا, اور دوسری کتاب ہم نے میڈم انیسہ اور یار محمد بالا دی اور ناصر خان صاحب اور اس وقت کے ڈائریکٹر جو تھے ہمارے ان کے حامد کریم صاحب, ان کی سرپرستی میں آپ فخر کریم صاحبہ, ہم نے اسکولوں کے بچوں کے ساتھ لکھی, جس پہ نام تھا کتاب کا ہمارا فخر افواج پاکستان. 1000 بچوں نے سر اس پہ اپنے کمنٹس دیے, وہ ہم آپ کو اپنی اکیڈمی کی جانب سے پیش کریں گے. میڈم انیسہ اور یار محمد بالوجی صاحب وہ کتاب آپ کو پیش کریں گے, آپ یہاں سے آئیے.